फूड लवर्स, कैसे हैं आप सब। अगर आप सब चिकन के शौकीन हैं तो आपको ये हमारी दही चिकन की रेसिपी खूब पसंद आने वाली है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और ये रेसिपी हमारी बहुत ही डिलीशियस और यम्मी होने वाली है, तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दही चिकन बनाने के लिए हमने 1 किलो चिकन लिया है, जिसको हमने अच्छे से धोकर साफ कर लिया है। आप चाहे तो बड़े चिकन के पीसेस पे चाकू से कट लगा सकते हैं, ताकि मैरिनेट करते समय मसाला आसानी से उसके अंदर चला जाए। अगर आप चिकन के पीसेस पे कट नहीं लगाएंगे तो इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, चिकन तब भी मैरिनेट हो जाएगा। बड़े चिकन के पीसेस पर कट लगाकर हम सारे चिकन के पीसेस को एक बाउल में ट्रांसफर कर देंगे। अब हम इसमें एक बाउल दही डालेंगे। ध्यान रहे, दही चिकन को मैरिनेट करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है। अब हम इसमें 1/3 बाउल जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट हमने घर पे तैयार किया है, आप चाहे तो इसे मार्केट से भी मंगवा सकते हैं। अब हम इसमें 1 चम्मच नमक मिलाएंगे, आप चाहे तो स्वाद अनुसार मिला सकते हैं। एक चम्मच हल्दी मिलाएंगे। दो चम्मच धनिया पाउडर मिलाएंगे। धनिया पाउडर से ग्रेवी गाढ़ी बनती है। अगर आपको ज़्यादा गाढ़ी ग्रेवी चाहिए तो आप ज़्यादा धनिया पाउडर भी मिला सकते हैं। 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर मिलाएंगे। एक चम्मच रेड चिली पाउडर। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप 1.5 चम्मच या 2 चम्मच भी मिला सकते हैं। हम यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर रहे हैं, इसलिए हम लाल मिर्च पाउडर सिर्फ 1 चम्मच ही डालेंगे। 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर मिलाएंगे। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ज़्यादा तीखा नहीं होता है, इसे बस ग्रेवी के कलर के लिए ही डाला जाता है। 1 चम्मच जीरा पाउडर मिलाएंगे। अब हम सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से चिकन के साथ मिक्स करेंगे। आप चाहे तो इसे स्पून से भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन हम रिकमेंड करेंगे कि आपको इसे हाथों से ही मिक्स करना चाहिए, क्योंकि हाथों से मिक्स करने से सारे मसाले दही के साथ चिकन में अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं। देखिए, हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स चिकन में अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसे लगभग 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रेफ्रिजरेटर में रख देंगे। जब तक चिकन मैरिनेट होता है, तब तक हम ग्रेवी बनाने के लिए बाकी के मसाले तैयार कर लेते हैं। ग्रेवी बनाने के लिए हमने लिया है लगभग 5 से 6 ऑनियंस, 4 से 5 हरी मिर्च, थोड़ा सा जिंजर गार्लिक और हरा धनिया। अब लगभग 1 घंटा हो चुका है, हमारा चिकन अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुका है और हमने बाकी के मसालों के पेस्ट भी तैयार कर लिए हैं। ऑनियन पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट और ग्रीन चिली और धनिया पत्ती पेस्ट। हमने कुकर को गैस पर गर्म होने के लिए रख दिया है। अब हम इसमें 1 बड़ा चम्मच रिफाइंड ऑयल डालेंगे। अगर आप मस्टर्ड ऑयल यूज़ करना चाहें तो उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। लगभग 1 चम्मच बटर,
तेल गरम होने के बाद अब हम इसमें कुछ काली मिर्च के दाने और दो तेज पत्ता डालेंगे। अब हम इसमें ऑनियन पेस्ट डालकर इसे कुछ देर के लिए पकाएंगे, जब तक इसका कलर अच्छी तरह से ब्राउन नहीं हो जाता। ऑनियन पेस्ट डालने के बाद हम इसे चम्मच से थोड़ी थोड़ी देर में हिलाते रहेंगे ताकि प्याज चिपक कर जल ना जाए। चिकन की रेसिपी में अगर प्याज अच्छी तरह से ना पकाया जाए तो ग्रेवी का मज़ा बेकार हो सकता है। देखिए प्याज का कलर थोड़ा थोड़ा ब्राउन होने लगा है। अब हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट मिलाएंगे और तब तक पकाएंगे जब तक इस मिक्सचर का कलर अच्छी तरह से ब्राउन नहीं हो जाता। देखिए हमारे प्याज अच्छी तरह से भून चुके हैं और इनका कलर अच्छी तरह से ब्राउन हो चुका है। प्याज भुनने के बाद जो हमारा मैरिनेट किया हुआ चिकन है उसे भी हम कुकर में डालेंगे। चिकन डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से हिलाएंगे और गैस का जो फ्लेम है वो थोड़ा सा मीडियम रख देंगे। अब हम कुकर के ढक्कन को इस पर ढक देंगे और 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। ध्यान रहे हमें कुकर का ढक्कन पूरी तरह से बंद नहीं करना, ना ही इसमें हमें सीटी लगानी है। 2 से 3 मिनट के बाद हम इसे फिर से हिलाएंगे और कुकर का ढक्कन फिर से ढक देंगे। 5 से 6 मिनट पकाने के बाद जो हमने ग्रीन चिली और धनिया का पेस्ट तैयार किया था वो हम इसमें मिलाएंगे। ग्रीन चिली और धनिया का पेस्ट डालने से ग्रेवी का टेक्सचर बहुत ही मज़ेदार हो जाता है। अब हम इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे और फिर से कुकर पर ढक्कन रखकर इसे पकाएंगे। अब हम इसे फिर से 2 से 3 मिनट पकाकर चेक करेंगे। देखिए हमारी ग्रेवी का कलर कितना शानदार और मज़ेदार दिख रहा है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। हमारा चिकन बनकर लगभग तैयार हो चुका है। अब हम इसमें फ्लेवर के लिए चिकन मसाला मिलाएंगे। चिकन मसाला ना भी हो तो इससे इसके टेस्ट पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इसे सिर्फ हम यहाँ पर फ्लेवर के लिए ही मिला रहे हैं, ना कि टेस्ट के लिए। आप देख सकते हैं हमारा चिकन ऑलमोस्ट बनकर तैयार है। अब हम इसे एक बाउल में शिफ्ट कर लेंगे। क्योंकि हमने इसे दही में मैरिनेट किया था तो इसके पीसेस बहुत ही मुलायम हो चुके हैं। आप देख सकते हैं देखने से कितना डिलीशियस और यम्मी लग रहा है। अब हम इसमें धनिया पत्ती डालेंगे और थोड़ा सा बटर ऊपर से डाल देंगे। आपने हमारी पिछली वीडियो को बहुत सपोर्ट दिया, उसके लिए थैंक यू। और अगर आपको हमारी ये दही चिकन की डिलीशियस रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी, और बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।